नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज हम सभी बात करते हैं पद्मा एकादशी की, जो कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है और इसका नाम पद्मा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी भी है। आप सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत का कितना अधिक महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। पूरे वर्ष में 24 एकादशी पड़ती है और इन सभी एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व माना जाता है। कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी उतना ही महत्व है जितना कि शुक्ल पक्ष की एकादशी का। और जिस वर्ष अधिक मास या पुरुषोत्तम मास लगता है उस वर्ष 26 एकादशी पूरे वर्ष में पड़ जाती है। तो आज हम सभी बात करेंगे भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की, जिसे कि पद्मा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी ने शयन के दौरान करवट लिया था, इस कारण भी इस व्रत का बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से इसका पूजन करें और किस प्रकार से पारण करें। एकादशी व्रत का करने का जितना अधिक महत्व है दोस्तों, उतना ही अधिक महत्व व्रत का के पारण का भी है। कहा जाता है कि यदि एकादशी व्रत का पारण नियम और विधि पूर्वक नहीं किया गया तो इस व्रत का फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो पहले आइए बात करेंगे विधि और पूजन की, उसके बाद बात करेंगे इस व्रत के पारण की। एकादशी व्रत जो भी भक्तजन रखते हैं उन्हें दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करना चाहिए और किसी भी प्रकार का मांस मदिरा लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन करके इस व्रत का मन ही मन संकल्प लेना चाहिए कि अगले दिन हमें एकादशी का व्रत रखना है। एकादशी व्रत के दिन यानी एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। अपने मंदिर की सफाई करने के बाद भगवान विष्णु जी की तस्वीर को, उनकी प्रतिमा को पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित कर लें। साथ में लक्ष्मी जी के तस्वीर को भी जरूर स्थापित करें, क्योंकि विष्णु भगवान जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य ही की जाती है। साथ में स्थापित कर लें, उसके बाद जल छिड़क कर स्वयं को पवित्र करें और भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए हाथ में पुष्प और अक्षत जल लेकर संकल्प करें कि हे प्रभु, आज मैंने एकादशी का व्रत रखा है, इस व्रत को मैंने धारण किया है, मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जो भी मुझसे त्रुटि या गलतियां हो जाती हैं उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, हम अज्ञान हैं, अनजान हैं। इस प्रकार मन में संकल्प लेते हुए उन्हें पुष्प और अक्षत अर्पित कर दें। सामने दीप प्रज्वलित कर लें, जल में कलश में लोटे में जल भरकर रख लें, स्वास्तिक बना लें, कलश में मौली जरूर बांध लें। दीपक जलाने के बाद भगवान विष्णु जी को धूप दिखाएं, उन्हें पीला पुष्प अर्पित करें, उन्हें जनेऊ अवश्य अर्पित करें, पीला वस्त्र अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को पीला वस्त्र यदि नहीं है तो आप रक्षा सूत्र भी अर्पित कर सकते हैं। पीला चंदन लगाएं भगवान विष्णु जी को, लाल चंदन लाल डोली माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें, पीला पुष्प भगवान विष्णु जी को अर्पित करें, लाल पुष्प माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। इसके पश्चात आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें मंत्रों के द्वारा, श्लोक के द्वारा, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, या आपको यदि नहीं मालूम है तो आप सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का निरंतर जप करने से भी अनंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह मंत्र अपने आप में महामंत्र माना जाता है। यदि श्लोक कह सकते हैं तो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। इस प्रकार श्लोक कहते हुए भगवान विष्णु जी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी को धूप दीप दिखाएं और उन्हें उनका ध्यान करते हुए महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। इस प्रकार पूजा अर्चना करके ध्यान करके उन्हें मीठा भोग अर्पित करें। मीठा सात्विक भोग यदि आप अपने हाथ से स्वयं घर में स्वच्छता से बनाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप कुछ भी मीठा भोग या फल का भोग लगा सकती हैं। दिन भर आप निराहार व्रत रख सकती हैं, अन्न का सेवन नहीं करना है, नमक सेंधा नमक का सेवन आप कर सकती हैं। चावल इस व्रत में वर्जित है, चावल खाकर भी व्रत नहीं रखते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और व्रत के पारण में भी चावल का सेवन नहीं करते हैं,
पूजा पाठ में भी चावल का सेवन चावल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस तरह से आप व्रत करने के बाद दिन भर अपने मन को अपने विचारों को शुद्ध रखें, भगवान विष्णु जी का निरंतर जप करते रहें, ध्यान करते रहें, माँ लक्ष्मी जी का निरंतर जप करते रहें। शाम को आप भगवान विष्णु जी को फिर से भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं और उनकी आरती करें। इस प्रकार आपका व्रत संपन्न होता है। पारण की विषय में मैं बता दूं कि द्वादशी तिथि में इस व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के पारण में महत्व है कि इस व्रत का पारण लहसुन प्याज वाली बनी हुई वस्तुओं से इस व्रत का पारण कभी नहीं करना चाहिए। चावल खाकर इस व्रत का पारण कभी नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद जब द्वादशी तिथि शुरू हो जाती है उसी तिथि के प्रथम पहर में इस व्रत का पारण करना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी दल को आप खाकर इस व्रत का पारण कर सकते हैं, परंतु तुलसी दल को कभी भी दांतों से चबाया नहीं जाता है और द्वादशी तिथि के दिन तुलसी दल को तोड़ा नहीं जाता है। यदि आप तुलसी दल पहले से रखी हुई हैं, तो आप उसे खा सकती हैं, लेकिन उसको चबाना बिल्कुल ही वर्जित है। इस प्रकार से आप यदि मीठा कोई भी भोग जो आपने भगवान विष्णु जी को भोग लगाया है मीठा, उसी भोग को खाकर यदि आप व्रत का पारण करती हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। द्वादशी तिथि के दिन सुबह आप स्नान कर ले, नहा धो ले, भगवान विष्णु जी की पूजा करें, उन्हें कुछ मीठा भोग अर्पित कर दें, वही भोग आप लेकर उसी को खाकर अपने व्रत को खोलें। लेकिन जब पहला अन्न खाएं तो वो भी सात्विक खाएं, उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। बाद में आप रात्रि में भोजन में लहसुन प्याज खा सकती हैं, परंतु सुबह के भोजन में पारण वाले भोजन में आप लहसुन प्याज ना खाएं। पारण करने से पहले ब्राह्मण को दान अवश्य करें। यदि आप भोजन करा सकते हैं ब्राह्मण को तो अति उत्तम है, नहीं करा सकते हैं तो अन्न वस्त्र दक्षिणा जो भी आपका सामर्थ्य है, जो भी आपकी इच्छा है, उस तरह से आप ब्राह्मण को दान देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। तो इस प्रकार दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक का ये महत्व है और इस व्रत को करने से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस वर्ष दोस्तों यह व्रत 6 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। सभी भक्तजन एकादशी का व्रत रखें और शुभ फल प्राप्त करें। मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एकादशी व्रत को अवश्य ही धारण करना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। आशा करती हूँ यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी और आप सभी इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमः शिवाय।